आज इस कार्यक्रम में मैं अपने संबोधन की शुरुआत चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की ही लिखी इन पंक्तियों से करना चाहता हूँ। माथे के ऊपर चमक रहे नभ के चमकीले तारे हैं, मुझको तो हिमसे भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। मुझे तो हिमसे भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। हिमवंत कवि चंद्र कुमार बर्तवाल जी हिंदी साहित्य के ज्ञाता थे और उनकी लेखनी का प्रभाव इन पर्वतों से अटल था। वो हमेशा उनकी लेखनी में पहाड़ का प्यार, पहाड़ का दर्द लगातार हमको देखने को मिलता था। उनकी कविताओं के केंद्र में सदैव यहाँ की संस्कृति, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, यहाँ के वन, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की आबोहवा, यहाँ के पर्वत, हमेशा से उनके अपने उन कविताओं के केंद्र में रहते थे। उनकी प्रतिभा को देखकर महापंडित राहुल सांकृत्यान जी ने उनका उपनाम काफल पाको रखा था। आज उनके नाम और काम से उत्तराखंड का हर व्यक्ति खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं उनको बार बार नमन करता हूं। जैसे कि उनकी लेखनी के केंद्र में पहाड़ और उसकी संस्कृति थे, वैसे ही उनके नाम से शुरू किए गए इस मेले का उद्देश्य भी हमारी संस्कृति और इसके विस्तार में जो भी लोग लगे हुए हैं उन सभी का प्रोत्साहन देना भी है। इस मेले के माध्यम से हम खादी ग्राम उद्योग और इसके द्वारा बनाए जाने वाली वस्तुओं प्रचार प्रसार करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। साथ ही खादी के उत्पादों व अन्य ग्रामोद्योग में काम करने वाले, उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर बल देना भी हमारे लक्ष्य में शामिल है। हम प्रदेश में एक ऐसा अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारे कुटीर उद्योग अधिक से अधिक संख्या में पनपे और पहाड़ के सुदूर से सुदूर क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों। कल की कैबिनेट में, कल जो हमने मंत्रिमंडल की बैठक करी थी, उसमें बहुत सारे मानकों में, चूंकि पहाड़ में उद्योग लगाने पर कुछ मानक ज्यादा बड़े थे, उनकी लंबाई चौड़ाई का भी लंबे मानक थे, उनमें हमने शिथिलीकरण प्रदान किया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो केवल मैदानी क्षेत्रों में न लगे, बल्कि हमारे उद्योग, हमारे धंधे, हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग हमारे पहाड़ों में भी लगे और उनका भी संवर्धन हो, उनको भी काम करने का अवसर मिले। और जब उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे तो आप निश्चित मानिए कि अगर उद्योग धंधे कहीं भी लगते हैं तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा पैदा करें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मैं हर बार ऐसा बोलता हूं कि जो सरकारी नौकरियां हैं उन सरकारी नौकरियों में, चूंकि वो हजारों की संख्या में है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या वो लाखों में है। निश्चित रूप से देखिए, सरकार की भी अपनी सीमा है, सभी पद भर भी जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस प्रकार से रोजगार के अवसर, इसी प्रकार से स्वरोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार उत्तराखंड के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं और पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों ने मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाएं यहां के लिए अभी तक स्वीकृत कर दी हैं। अभी अभी केदारपुरी का भव्य निर्माण, जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से केदारपुरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उस केदारपुरी का पुनर्निर्माण करने का काम सैकड़ों वर्षों में, जो कैसे किसी ने सोचा भी नहीं, किसी के मन मस्तिष्क में बात नहीं आई, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
वहां के पुनर्निर्माण का पहले चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है और तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। आज हमारी केदारपुरी एक नए रूप में जो है वहां पर आकार ले रही है। अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का भी वहां पर अनावरण हुआ है और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। तीर्थ प्रवृत्तों के आवास बन रहे हैं, वहां पर सरस्वती घाट बन रहे हैं, बनके तैयार हो गए हैं, आस्था पद बन रहा है, बहुत सारे काम वहां पर लगातार जारी है। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारा जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान तैयार हो गया है और 245 करोड़ रुपए का अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में जैसे भव्य केदारपुरी बन रही है, वैसे ही जो है भव्य और दिव्य जो है हमारा बद्रीशपुरी भी बनेगी। हमारे चमोली जिले के ही माना और नीति समेत कई अन्य गांवों में बनाए जाने वाली ऊन और इससे तैयार किए जाने वाले कपड़ों की मांग आज केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ये हमारे बुनकरों की कुशलता है कि उनके हुनर की मांग आज पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही है। वो अपने इस कला से न केवल उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको वो सजोकर संभाल कर इसे जीवित भी रखे हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार उस विचार पथ पर चलने वाली सरकार है जिसका मानना है कि आज के दौर में गरीबी से लड़ने के लिए निश्चित रूप से हमें स्थानीय उत्पाद बनाने होंगे। खादी और हथकरघा एक बेहद सशक्त माध्यम इसमें आगे चलकर होने वाला है। इसके लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया हुनर हाट का कार्यक्रम अभी हमारे जो पूरे भारतवर्ष के आदिवासी जनजाति कल्याण के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी जब देहरादून आए थे तो मैंने उनसे जिक्र किया था कि हमारे यहाँ पर सीमांत क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे जनजाति क्षेत्रों के लोग हैं, हमारे सीमांत क्षेत्रों के लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि उनको बाजार उपलब्ध होना चाहिए, उनका जो बनाया हुआ सामान है उसको जो है उचित कीमत मिलनी चाहिए। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, ये बच्चे हमारे जो पढ़ते हैं जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती है बेटा? विदेशी कंपनी जानते हैं आप लोग? जरा हाथ खड़ा करिए, कौन जानता है? मैं इन बच्चों से पूछ रहा हूं। तो ये विदेशी कंपनियां या जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, उनसे भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम जो हमारे स्वरोजगार करने वाले समूह है, हमारे ग्राम संगठन है, स्वरोजगार के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो करते हैं। आज देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है जिन्होंने जो हमारे घरेलू उत्पाद है, खादी के उत्पाद है, उनको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है और उन्होंने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है। सरकार हर स्तर पर ग्रामोदय से भारत उदय, यानी कि जब ग्रामों का उदय होगा हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी, वहां पर रहने वाली हमारी माताएं बहनें वो स्वरोजगार से जुड़ेंगी, स्वरोजगार करेंगी, लोगों को रोजगार से जोड़ेंगी, तो उस स्वरोजगार ग्राम उदय से ही भारत उदय के अपने मिशन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि आज हम राज्य में पर्यटन और इसके माध्यम से रोजगार के हर संभव विकल्प पर काम कर रहे हैं। होम स्टे को बढ़ाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी होम स्टे बढ़ाने पर उत्तराखंड में विशेष जोर दिया है। हमने 23 करोड़ की लागत से मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार करवाया है। अब मसूरी आने वाले पर्यटक इसके नए रूप को भी देखें और अधिक आकर्षित हों। एक तरह से हमने उसको मॉडल के रूप में वहां पर बनाया है
भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ उठाकर आज प्रदेश के युवा रोजगार पा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार लगातार आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 4 जुलाई 2021 को मुझे मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली है और जो भी समय मुझे मिला है मैंने एक एक क्षण एक एक पल अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित किया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का इनालिए हम हैं K24।